डू सब्सक्राइब हिज चैनल, ही इज ब्लॉगिंग वर्किंग हार्ड. थैंक यू ऑल. हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल रोहित मेहर ब्लॉगिंग. दिस इज रोहित मेहर एंड वी आर गेटिंग स्टार्टेड. सो गाइज, ये सेकेंड पार्ट है पल्टन बाजार ब्लॉगिंग का. सो गाइज, मैं अभी पल्टन बाजार से बाहर निकल रहा हूँ. अभी अंदर का आपने पिछले ब्लॉग में देख लिया होगा. पिछले ब्लॉग में नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मैं, तो आप पिछला ब्लॉग देख लीजिए जो कि इसका फर्स्ट पार्ट है. सो गाइज, काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पर रोम कर रहा हूँ, इधर से उधर जा रहा हूँ, तो बहुत मज़ा आ रहा है कि पल्टन बाज़ार देखने वाली जगह है. इतनी पुरानी मार्केट है और आप देख सकते हो इधर चमक धमक बहुत ज़्यादा है और भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है. अभी आज तो थोड़ा कम है भीड़, क्योंकि आज ना वीकेंड नहीं है. जब जिस दिन वीकेंड होता है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ रहती है, स्पेशली संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है. पैर रखना मुश्किल हो जाता है यहाँ, लेकिन आज उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है. और जितनी भी भीड़ है ये तो गाइज, अभी मैं भैया के पास रुका हूँ. बहुत ही ज़्यादा क्यूट पपीज़ हैं यहाँ पर और शो पीस है एक्चुअली. सो गाइज, जो भी जब भी यहाँ पल्टन बाज़ार आओ, ये भैया लोग जो भी दिखते हैं इनका बाय करो. बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं अपनी बेचने के लिए इन सब सामान को. और ये सामान देख लो आप, कितने क्यूट है. सो गाइज, जब भी देहरादून आओ, एक ना एक मेमोरी तो अपने साथ लेके जाओ. ऐसे ये भैया लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं गाइज, तो प्लीज़ ख़रीदना अगली बार जब भी आओ. जो व्लॉगिंग है गाइज, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गई है यहाँ पर, क्योंकि लोग इधर उधर से आ रहे हैं, बोल रहे हैं हमारे साथ वीडियो बनाओ, हमारे साथ वीडियो बनाओ. लेकिन उनको पता नहीं एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ. मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, ना कि उन लोगों के लिए अभी राइट नाउ. गाइज, अभी मैंने आज जैसे आपको दिखाया कि जो क्यूट क्यूट से वो पपीज़ वगैरह थे, सो पीस वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, और ये लोग बेचते रहते हैं ऐसी चीज़. रेगुलर होम आइटम्स भी मिलते हैं यहाँ, और यूटेंसिल्स वगैरह मिलते हैं, साड़ीज़ मिलती हैं, सूट्स मिलते हैं, और टॉप्स मिलते हैं, जीन्स मिलते हैं. यहाँ पर मंदिर है गाइस, तो मंदिर में एक मंदिर यहाँ पर है जो कि पल्टन बाज़ार में. यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, संडे को भी भीड़ होती है और दिन भी भीड़ होती है यहाँ पर. और ये देख लीजिए सामान, बहुत ज़्यादा एट्रेक्टिव आपको हर चीज़ मिल जाएगी यहाँ पर, शूज़ से लेके कपड़े लेके और यूटेंसिल्स वगैरह,
सोपीज आइटम्स, बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा आपको इधर। लेकिन बात यह है कि ये सब महंगा नहीं है, जो भी यहाँ पर आइटम्स हैं बहुत ही चीप रेट्स में मिलते हैं, इसलिए पल्टन बाज़ार बहुत ज़्यादा फेमस है इस चीज़ के लिए, चीपर रेट्स के लिए अपने। सो गाइस पल्टन बाज़ार में जब भी आओ प्लीज़ ये सब चीज़ें हैं शोपीस वगैरह पक्का ले जाइए घर। जो लोग हैं ना यहाँ, जब आते हो आप लोग तो प्लीज़ पक्का यहाँ पर आके थोड़ा रिफ्रेशमेंट्स वगैरह लीजिए, खाना खाइए। यहाँ बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलता है इधर, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं इन लोगों के पास। और ये देखिए एक और भैया, ये लोकल आइटम्स ये भैया लोग भेजते, बहुत मेहनत करते हैं लोग। सो गाइस प्लीज़ बाय करिए इन लोगों से। और जैसे कि है So guys, I met one of my subscriber here. What's your name? Rajat Trivedi. His name is Rajat Trivedi. So go follow him. JBIT Dehradun. So tell him. Okay, I'm from JBIT Dehradun. Do subscribe his channel. He is vlogging, working hard. Thank you all. His Instagram ID is? He is selling your Instagram. Rajat Trivedi. Rajat in Instagram. Okay. Rajat Instagram ID is Rajat Trivedi. So go follow him there. He is one of my subscribers now. So thank you, Rajat. Okay. Meet me soon. थैंक यू। भीड़ तो हमेशा से यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और ये ग्लॉड एक्सप्रेस यहाँ बहुत सॉफ्टी बिकती है, इन लोगों की लिटरली बहुत ज़्यादा सॉफ्टी बिकती है, क्योंकि ये फेमस है इधर का सॉफ्टी वगैरह के लिए। तो गाइस राइट नाउ मैं बाहर आ चुका हूँ लगभग, और ये क्लॉकटावर है, लगभग मैं बाहर आ चुका हूँ। सो गाइस अभी यहाँ से मेरा दूसरा ब्लॉग एंड होता है, और गाइस फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट व्लॉग, और ध्यान रखिए।